दिल्ली में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोगों के घरों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि मंगलवार के बाद तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी राजधानी का बुरा हाल हो रखा है। गुरुवार सुबह दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ का पानी घुस गया, जिसमें आईटीओ और सिविल लाइन जलमग्न हो गए। वहीं यमुना नदी ने 45 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 208 मीटर के जल स्तर को पार कर लिया है। लेकिन दिल्ली में कई सालों के बाद आई बाढ़ के पीछे की असली वजह क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे के कारण बताएंगे। इसके साथ साथ यह भी बताएंगे बाढ़ की वजह से दिल्ली के लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लगातार वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो। छह सितंबर 1978, यह वो दिन था जब राजधानी दिल्ली के पॉश इलाकों में अचानक बाढ़ का पानी घुसने लगा। लोग घबराए और अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। कोई नीचे रखा अपना सामान उठाकर किसी ऊपर किसी सुरक्षित जगह पर रख रहा था, तो कोई अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ भाग रहा था। हर तरफ खौफ का मंजर था। घंटे दर घंटे बीत रहे थे और पानी का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते पानी कई फीट तक बढ़ गया और शहर के तमाम इलाकों में लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए। आज से लगभग 45 साल पहले यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर पहुंचा था। तब आधी राजधानी पानी में डूब गई थी। आलम यह था कि लाखों लोग बेघर हो गए थे और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा था। यह वह समय था जब राजधानी दिल्ली में 100 वर्षों बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। शहर आपातकालीन की स्थिति में था। टेलीफोन लाइन ठप होकर बंद पड़ी थी। यमुना के ऊपर बने सभी पुल बंद कर दिए गए थे और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना को तैनात कर दिया गया था। लेकिन ठीक 45 साल के बाद एक बार फिर से दिल्ली में 1978 वाला मंजर देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग बेघर और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की कई टीमें दिल्ली में तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। दिल्ली के जहां जहां इलाकों में पानी बाढ़ का पानी घुस आया है, वहां पर नाव तैनात कर दी गई है। कुछ लोग तो खुद ही अपना सामान लेकर बाढ़ग्रस्त इलाकों से पलायन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बाढ़ आने की वजह क्या है, अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहली वजह, यमुना नदी का जल स्तर 208 मीटर के पार जाना। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली से गुजर रही यमुना नदी अपने खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। बुधवार शाम 6 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी 207.81 मीटर दर्ज हुआ था। 100 साल के इतिहास में पहली बार है जब यमुना का जलस्तर इतना पहुंचा है। लेकिन अब यहां सवाल यह उठता है कि जब हर साल मानसून में इतनी ही बारिश दर्ज की जाती है, तो इस साल दिल्ली में बाढ़ क्यों आ रही है। चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। केंद्रीय जल आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली पहुंचने में कम समय लगा। 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के यमुना नगर में स्थित हथनी कुंड बैराज से पानी राजधानी तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार छोड़ा गया पानी महज 1 दिन में ही दिल्ली की यमुना नदी में पहुंच गया। यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बेतहाशा अतिक्रमण हुआ है। शायद इसके कारण ही हथनी कुंड बैराज में छोड़े गए पानी को गुजरने के लिए एक सकरा रास्ता मिला। इसके अलावा नदी के तल को ऊपर उठाने वाला सिल्ट, या हिंदी में कहें तो गाद, भी बिना बारिश के दिल्ली में बाढ़ का एक अन्य कारण हो सकती है। इसके साथ साथ दिल्ली में बीते शनिवार और रविवार को अत्यधिक बारिश हुई, जिसकी वजह से राजधानी में 40 वर्षों में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जुलाई का महीना दर्ज किया गया। 9 जुलाई को सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक दिन पहले कहा था कि दिल्ली ने 24 घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश झेली है। एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में बारिश होने के लिए दिल्ली तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर यही बारिश कई रातों में होती तो हालात नहीं बिगड़ते। फिलहाल शासन प्रशासन और दिल्ली सरकार दिल्ली के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं राहत की बात यह भी है कि मंगलवार के बाद से तेज बारिश नहीं हुई है। लेकिन अगर दिल्ली में फिर से तेज बारिश होना शुरू हो गई, हालातों पर काबू पाना बेहद
मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। आप ये वीडियो किया न्यूज़ पर देख रहे थे, मेरा नाम है गौरव, शुक्रिया।